हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ, जिसके यूज से आपके चेहरे पे अगर कोई भी पिगमेंटेशन हो या फिर एक्ने स्कार्स हो या फिर रिंकल्स की प्रॉब्लम हो, सनटैन हो, ये सारी रिमूव हो जाएंगी आसानी से और आपके चेहरे का निखार और भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग वाला फेस पैक है, आप जरूर इसे ट्राई कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एलोवेरा जेल। आप घर का भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो या फिर पतंजलि में जो ग्रीन कलर का एलोवेरा जेल है आप वो भी यूज कर सकते हो या फिर कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमको चाहिए हल्दी। हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो उसके फायदे मैं आगे बताने ही वाली हूँ आपको, बेनिफिट्स उसके जो भी रहेंगे। तो आप मार्केट की या फिर घर में बनी हल्दी भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक बाउल में एलोवेरा जेल और हल्दी ले लेंगे। जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है आपके फेस और नेक के लिए आप उतना ही एलोवेरा जेल यहाँ पे ले लीजिए और एक चुटकी बस हल्दी आपको लेना है। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं लेना है, नहीं तो आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा येलो येलो दिखेगा। और इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फेस पैक रेडी हो जाने के बाद हमें हमारे फेस पे भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें फेस क्लीन कर लेना है। जब भी हम कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो हमारे स्किन पे कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट नहीं लगा होना चाहिए, इवन मॉइस्चराइजर भी नहीं लगा होना चाहिए। तो मेरा फेस वैसे भी पहले से क्लीन था, बट मैंने उसे और पानी से क्लीन कर लिया है। इस समय मेरे फेस पे कोई भी मेकअप या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगा हुआ है। मैंने अच्छे तरीके से इसे फेस टॉवल के हेल्प से ड्राई कर लिया है। अब हम हमारे फेस पे फेस पैक अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो आपके फिंगर टिप के हेल्प से भी इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर ब्रश के भी हेल्प से आप अपने फेस पे इस फेस पैक को अप्लाई कर सकते हैं। इस फेस पैक में हमने एलोवेरा जेल का यूज किया है। एलोवेरा जेल में हाई अमाउंट की प्रॉपर्टीज, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं और हमारे फेस को भी क्लीन करने का काम करते हैं। एलोवेरा जेल ये आपके फेस को हेल्दी रखता है और नेचुरल शाइनिंग प्रोवाइड करता है। एलोवेरा जेल में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होने के कारण ये आपके स्किन से जो डेड सेल्स है इसको रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज है, इस वजह से ये सनबर्न एंड टैन स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। इस फेस पैक में हमने हल्दी का भी यूज किया है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, इससे एक्ने स्किन वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हल्दी डल स्किन का भी ग्लो बढ़ाता है और स्किन का निखार भी नेचुरली बढ़ाता है। हमारे फिंगर टिप्स के हेल्प से हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और फेस पैक भी हमारे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। फेस पैक को हमें 20 मिनट तक रखना है। पूरा ड्राई हो जाने के बाद उसे नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लेना है। किसी भी कंपनी का हमें फेस वॉश यूज नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से ही हमें फेस वॉश कर लेना है। और कोई भी हल्दी वाला फेस पैक हमें 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। फेस वॉश हो जाने के बाद हमें फेस टॉवल से इसे ड्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट आया है, एकदम चेहरे पे ग्लो आया है। तो आप भी इसे डेफिनेटली ट्राई करके देखिए अपने घर पे और इस पैक को आप वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ही यूज कर सकते हैं। और मेरी स्किन यहाँ पे मुझे बहुत सॉफ्ट लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और प्लीज आप अपने घर पे भी इसे ट्राई करके जरूर देखिए। बहुत ही मैजिकल फेस पैक है, इससे आपके चेहरे में बहुत आसानी से ग्लो भी आ जाएगा और जितने भी दाग धब्बे हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो प्लीज आप जरूर इसे ट्राई करके देखिए और जो भी रिजल्ट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए,
क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, और आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे चैनल के साथ हमेशा नोटिफाई रहे। मेरे इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।